मुझे घर जाना है, घर जाके सोना है, मुझे घर जाना है। मुझे जीजी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करने के लिए आ जाऊंगा, और अगर नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए सो लो। मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो यिनसिचेन। तुम कितने बड़े गधे हो ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो कहते क्यों नहीं? मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, ये बताते क्यों नहीं? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। एलेक्स को इनकार करने वाली ये होती कौन है? ये खुद को समझती क्या है? फेमस होने के लिए कुछ भी? बदसूरत लड़की, ये बदसूरत है किसने कहा? तुम्हारा पूरा खानदान होगा बदसूरत, मेरे तो जूते भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या, ये बात कबूल कर लो कि तुम एक कॉपी कैट हो और एलेक्स तुमसे बच गया। हमने तो किसी को कॉपी नहीं किया। हद हो गई, मेरा तो खून खौल रहा है। ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे बारे में लिखा आर्टिकल पढ़ा क्या? पढ़ा है, और यही लगता है कि रैन शिवी ने भी हमारे खिलाफ भड़ास निकाला है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ये डिजर्व ही नहीं करते। उसने सिर्फ हमारे कमेंट सेक्शन में बोला, जिसके लिए इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। मेरा आखिरी सवाल, जो हर किसी की जुबान में है कि एलेक्स ने आपको मैरी मी के इंचार्ज बनने की ऑफर की थी, जो कि आपने रिजेक्ट कर दी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके इस रिजेक्शन की वजह क्या थी? एक बात बता दूँ, मैं एलेक्स और उसके डिजाइन्स की फैन हूँ, और उनके इस ऑफर के लिए भी थैंकफुल हूँ। लेकिन मैंने बचपन से ही एक सपना देख रखा था, अपना ब्रांड बनाने का सपना, इसीलिए उनकी ऑफर के लिए मना करना पड़ा। इसीलिए ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपने अभी अभी बताया कि आप एलेक्स की बहुत बड़ी फैन है, तो क्या ये कहना सही होगा कि आपके डिजाइन एलेक्स के डिजाइन से इंस्पायर्ड है? एक तरह से आप कह सकती हैं, क्योंकि मैंने उनके डिजाइन्स बहुत देखे हैं। लेकिन मेरा ब्रांड इंडिपेंडेंट है और मैं अपने आइडियाज कपड़ों पर निकालती हूँ। ये मेरा सपना होगा कि मैं उनकी तरह एक बड़ी डिजाइनर बन सकूं। टाइम देने के लिए शुक्रिया। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मिस रैन का पूछा हुआ हर सवाल मैच कर जाए। और तो और, वो आर्टिकल सीसी को एक इंटरनेशनल ब्रांड से ज्यादा साबित करना चाहता है, और ये कि मैंने एलेक्स के ऑफर को ठुकराया है। सीसी ब्रांड की मालिक अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, उसमें जो मैंने तारीफें की थी वो तो शामिल ही नहीं की। सही कहा, और ये मत भूलो कि ये रैन शिवी का ऑफिशियल अकाउंट है, वो जो चाहे कह सकती है। ये भी हो सकता है कि ये सब बुलवाने के लिए उसने पैसे दिए हो। लेकिन इन सब से उसे क्या मिलेगा? होश में आओ लड़की, फिलहाल यिनसिचेन की बीवी तुम हो। हो सकता है वो इसी बात का तुमसे बदला ले रही हो, वो बिल्कुल चुड़ैल है। अच्छा बस करो, उसके बारे में बहुत बात हो गई, मेरा सर फट रहा है अब। देखो, हमें सोशल मीडिया के तूफान से सीसी को सबसे पहले बचाना होगा, ताकि हमारे ब्रांड को कम से कम नुकसान हो। सब सुना है, तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे बहस करना वक्त जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। किसी को तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तो क्या मैं हाथ पर हाथ रख के बैठी रहूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे जवाब देना ही होगा। मुझे पता है तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम जितना इन्हें रिप्लाई करोगी उतना तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ये लोग। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मामला ठंडा होने तक इंतजार करो, बाद में एक अच्छी सी छोटी सी क्लैरिफिकेशन पोस्ट कर देना। यिनसिचेन, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम भी यही करते? बिल्कुल, मैं भी यही करता, और यही बेहतरीन हल है इस चीज का। अपने इमोशंस पर काबू रखो और जरा रैशनली सोचो।
मुझे अंदाजा था हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? और उस दिन उस पार्टी जो कुछ हुआ था मुझे सब पता है, वही कर रही हूँ। मैं बिजी हूँ, मुझे अकेला छोड़ सकते हो? तो यहां उसे एक्सप्लेन करने आया था ना। उसे अभी आराम की जरूरत है। तो अभी तक रिप्लाई कर रही है, इसका दिमाग सच में खराब है। शायद वो ठीक ही कह रहा था, मुझे जवाब देने से क्या ही मिलेगा। शांति से बैठ जाना चाहिए अब। नया यूजर कौन है? ये तो मेरी ओर से दूसरों से बहस कर रहा है। हो सकता है कोई फैन हो मेरा। थैंक यू सो मच मेरी तरफदारी करने के लिए। आप जो भी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे? ये तुमसे पूछना चाहिए मुझे। जीजी, कहाँ थी तुम पूरी रात? क्या तुम्हें ये एहसास है कि तुम शादीशुदा हो? मिस्टर यन, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें और कोई काम नहीं है? तुम हर वक्त फ्री रहते हो क्या? मिस्टर यन सचिन, आप गलत सोच रहे हैं। जीजी और मैं दोनों मिलकर जवाबी कार्रवाई के लिए काम कर रहे थे, बस यही वजह है, और कुछ खास नहीं। इसके साथ इसका पति खड़ा है, ओके? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जीजी का दोस्त हूँ और उसके साथ उसका शेयर होल्डर भी, इसलिए मुझे स्टोर की इतनी ज्यादा फिक्र है। गुजीजी, ये स्टोर हमारे नाम पे होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। ना ये वाई मॉल है और ना ही आपके घर का मामला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सीसी के ऑनर की इज्जत करें। मुझे माफ करना। अभी तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ?
भूख लगी होगी तुम्हें। आओ कुछ खाते हैं। बॉस, मैं उसका शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन मोजेज़ है। हाँ, आखिर क्या कमी है मुझमें? मैं उससे ज्यादा अमीर और बेहतर इन्वेस्टर नहीं हूँ क्या? दिमाग खराब करके रखा है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। अगर आप मेरी बात माने तो इस पर बहस मत कीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ अभी भी है और जीजी का बिजनेस भी खतरे में है। अगर आप उसकी मदद करना चाहते भी हैं तो आपको चाहिए कि आपका पूरा ध्यान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाए, और आप दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। मुझे पता है, मुझे तबाह करने की ये सोची समझी एक चाल है। मुझे लगा उसे अपनी लिमिट्स का अंदाजा होगा, लेकिन नहीं, उसने हर हद पार कर दी है। किसने? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया यहाँ पर आकर। मैं कितनी बार तुम्हें कॉल की लेकिन तुमने रिसीव ही नहीं की। सुना है तुम इन दिनों उस आर्टिकल की वजह से साइबर हैरेसमेंट का शिकार हो रही हो? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सब तो ऐसे ही है, मैं संभाल लूंगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वो आर्टिकल जीजी के लिए था, वो भी चंद दिनों से ऐसे ही बड़े ही बुरे हालातों का सामना कर रही है। तो तुम्हें जीजी की चिंता हो रही है? मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा मकसद तो उसके ब्रांड को प्रमोट करना था, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जानती हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सोच से भी ज्यादा भयानक होते हैं। शिवी, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है, उसमें सीसी के बारे में और जीजी की बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो उसके लिए आम थी, लेकिन तुमने उन्हें खास बना दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था कुछ टाइम से मेरा, इसलिए सब कुछ अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ दी थी मैंने। सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, बट आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगर जीजी को किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं हमेशा हूँ उसके लिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ हूँ मैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम किसी किस्म की मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए, और तुमने इतनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है उसे बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को नजरअंदाज कर दूंगा। वो लड़की मेरी पत्नी है, और उसे कोई तकलीफ पहुंचाए इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देता। इन सारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि ये सब मैंने प्लॉट किया है? मैं ऐसा क्यों करूंगी बताओ? जो भी है तुम्हारे सामने है, मैं ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं जीजी के साइड हूँ। मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहा, और ना ही मैं पूरा सोच रहा हूँ किसी को लेकर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पूरा मामला अभी और इसी वक्त खत्म हो जाएगा। शिटन, तुमने आज तक कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। क्या जीजी ने तुम्हें कुछ कहा है मेरे बारे में? हाँ, क्या सब भूल गए हो कि बचपन से हम एक साथ बड़े हुए हैं? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ? मेरे लिए ये दोस्ती बहुत ही खास है। मुझे बहुत ही बुरा लगेगा अगर ये दोस्ती खत्म हो जाए, इसलिए पीछे हट जाओ पहले इससे कि बहुत देर हो जाए। खैर, मुझे अब जाना होगा, एक जरूरी काम है मुझे। Have a nice day. घर आ गई है, जल्दी वापस आओ। बोलो। सचिन, मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ रेस्टोरेंट। मैं अभी अभी मीटिंग से निकला हूँ, मैं नहीं आ सकता। यार, बात क्यों नहीं समझ रही हो? बात मेरी नहीं है, बात जीवी की है। जीवी, उसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। जब से आई है वो पिए जा रही है, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर वो मेरी बात सुन रही होती तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करता? मुझे कहीं और जाना है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, याद रखना ये बात। अब जल्दी से आके उसे संभालो। चलो, अब तुम आ गए हो तो इसे संभालो। मुझे कहीं जाना है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है?
अच्छे दोस्त रहे हैं ना, कितने अच्छी तरह जानते हैं हम एक दूसरे को। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जीवी, जैसा ठीक शेंग है, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। हम सिर्फ दोस्त हैं, इतने सालों से मुझे तुम्हारे आसपास रहने की आदत हो चुकी है। हमारे सारे दोस्तों को ये लगता था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, तो फिर क्यों तुम मुझसे ऐसे मोह फेर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से देखा है। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें एक दूसरे की आदत हो गई थी, लेकिन हम इसे प्यार का नाम तो नहीं दे सकते। मोहब्बत वो फीलिंग है, जब कोई मिल जाए तो आप उसे जाने ही ना दें। तो क्या वो लड़की जीजी है? प्यार करते हो उसे? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसे कोई नुकसान पहुंचाए। शायद तुम्हें घर ले जाएगा। स्टेटमेंट देखकर बताओ, ये काफी रहेगा ना? बताओ मुझे। हाँ, लिखा तो अच्छा है और सबूत भी बिल्कुल ठीक दिए हैं। मैं अभी इसे पोस्ट कर देती हूँ, भाड़ में जाए हमें ट्रोल करने वाले। बस अभी कुछ दिन इंतजार कर लो तुम। क्या हुआ? तुम खुद ही तो उनके पहले खिलाफ लड़ रही थी ना, तो अब क्या हुआ? बात कुछ और है। येंसेचन कह रहा था कि अभी मामला गर्म है, इसीलिए हमें फौरन रिस्पांस नहीं देना चाहिए। मामला ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाने की सोचनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही कोई मेरे सामने उसे कोस रहा था ना, इस बदलाव की वजह। अब कमल का फूल कीचड़ से निकलता है और हीरा कोयले की खान से, इसी तरह आइडिया भी ठीक ही है उसका। मुझे बुद्धू समझती हो? अगर ऐसी ही बात है तो ये पोस्टर तुमने तो नहीं खरीदा? ये पोस्टर किसी अननोन ने भेजा है। मैंने उस इंसान को थैंक यू भी बोला था। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। ये आईडी हाल ही में रजिस्टर हुई है, तो मुझे लगा शायद तुमने हायर किया होगा। इसके टाइप करने का अंदाज कुछ जाना पहचाना लगता है। क्या हुआ? येंसेचन? अब भी बताती हूँ मैं उसे। अरे यार, शांत हो जाओ, पागल मत बनो। वैसे भी तो वो हमारे लिए ही तो बोल रहा था। उसने पहले मुझे खुद मना किया था, फिर खुद ही सबको जवाब देने लगा। क्या हरकत है? शायद वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो। अच्छा ठीक है ना बाबा, छोड़ो उसे। जो कुछ भी हुआ अब तुम उसे भूल जाओ। एक कंप्यूटर भी 24 घंटा काम नहीं करता है तो तुम क्या चीज हो? आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, अपनी हालत तो देखो। अपनी सारी परेशानियां भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारा किसी दिन दिमाग फट जाएगा। सही कहा, मुझे बस काम पर ध्यान देना होगा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं जीजी, तुम्हें जरूरत है कि तुम शॉपिंग में जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो और एंजॉय करो। क्यों अपनी जान लेने पे तुली हो? म्यूजिशियन, आइंदा इंटरफेयर मत करना।
मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आराम से ना मेरी बात सुन लो। उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। हाय मिस्टर मो, आइए ना, बैठिए प्लीज, अंदर आइए। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने घर पे इस बारे में बहुत सोचा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये मामला हमारी सोच से बहुत बड़ा है और वक्त के साथ साथ सीसी आपकी नजरों में गिरता जाएगा। हाँ, सही कहा, आज सुबह से लोग भला बुरा कह रहे हैं और कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है। इसलिए सोच रहा था कि ये सही वक्त है कि विनय ग्रुप की पीआर टीम सीसी की मदद के लिए आगे बढ़े। मैं परेशानी समझता हूँ, लेकिन तू फिक्र मत करो, इससे विनय ग्रुप पे कोई आंच नहीं आएगी और ना ही इस पर कोई असर पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं क्वालिफाइड डिजाइनर नहीं हूँ और पीआर टीम के सामने आने पर यकीन सच में बदल जाएगा। हमें इस वक्त एक मौके की जरूरत है जिसमें हम खुद को साबित कर सके। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर भी मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। मैं इस बारे में सोचूंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। हम सब ठीक कर देंगे, और मैं तुम्हारा शेयर होल्डर भी हूँ, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी और ये मुश्किल वक्त भी हम साथ में पार कर लेंगे। हम साथ में पार कर लेंगे। बात सुनो। जी सर। मिस मू से कहो मैं बुला रहा हूँ। जी ठीक ठीक है सर। मेरे ख्याल से उसे ये पोज पसंद आएगा, या तो यू खड़ा हो जाता हूँ या ये ठीक है। कैसे हो तुम? यहाँ आ ही गए हो तो ये फाइल्स भी साइन कर देना। डिनर पे कहाँ जाना पसंद करोगे? ये मैसेज पे नहीं पूछ सकते थे? ओ, मिस कर रहा था। पहले फाइल साइन कीजिए। ओके। कौन है इस वक्त? हेलो, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। क्या? क्या? हर वक्त काम काम काम। एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए, उसे मिलने जाना है। वो मॉम, मैं पहले से किसी और को पसंद करता हूँ। किसी और को पसंद करते हो? इस बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया? वो कौन है, क्या करती है, सब बताओ। वो मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ मॉम। बात सुनो, जो तुमसे पूछा गया है इस बारे में बताओ, कौन है वो लड़की? वो मैं नहीं चाहता कि अभी इस बारे में किसी को पता चले। लेकिन है कौन? तुमने उन्हें क्यों बताया? वो और क्या करता, वो मेरी मॉम है और हम रिलेशनशिप में भी तो है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस बारे में कुछ भी जाने। वो मेरी मॉम है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिलहाल उन्हें कुछ भी मत बताना। वो बात सुनो, डिनर। हेलो, जी दादी, देखो ये कैसा लग रहा है। अच्छी तो मेरी ब्रांड का है दादी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप तुम्हारे स्टोर से खरीदा है दादी? ये डिजाइन आपको सूट कर रहा है, चलकर आपके लिए शॉपिंग करते हैं। अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आएगा। वैसे भी हम लोग कभी साथ शॉपिंग करने गए ही नहीं। चलिए 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 दादी। ड्रेस भी कितनी खूबसूरत है बेटा। मैं इस ड्रेस में अच्छी तो लग रही हूँ ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। एक मिनट, एक बात बताइएगा, क्या मुझे बता सकती हैं ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया? वो क्या है, मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है तो मैं चाहती हूँ मैं उन्हें भी इस तरह का ड्रेस गिफ्ट करूँ। एवरेज मेकओवर? हाँ बिल्कुल, एवरेज मेकओवर। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें गलियों और सड़कों से लोगों को चुनना है और उनके लिए कपड़े बनवाने हैं और उनका मिनिमल सा मेकअप करवाना होगा ताकि नॉर्मल इंसान पर ज्यादा ना लगे, और फिर आम लोगों से ही सजेशंस लेंगे। ये तो ब्रिलियंट आइडिया है यार, तुमने कैसे सोचा? सच कहूँ तो दादी से, कभी कभी लोग नया अंदाज अपनाने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनके दिल में डर बैठ जाता है कि अगर वो अच्छे ना लगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही लोग हमारा टारगेट है, इन्हें हमारी मदद चाहिए। इस तरह से वो अपनी पावर भी दिखाएंगे और हमारी ब्रांड की प्रमोशन भी हो जाएगी, यानी एक तीर से दो निशाना। तैयार होना। ओके,
लाइए मुझे दीजिए। नहीं नहीं दूसरा लेकर आओ। इस बारे में क्या ख्याल है? ये सब ठीक है। दरअसल सीसी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसका नाम है एवरेज मेकओवर। वीडियो शूट हो गया है, अब प्रमोशन के लिए भेज रहे हैं, कंटेंट फार्म तक भी पहुंच गया है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि सीसी को एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। जी मैं अभी कर देती हूँ। काफी रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। चलते हैं। कुछ देर मुझे और उसके पास रहने दो। इस वक्त मिस गू जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है वो बहुत आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। उनका प्रोग्राम द एवरेजेस मेकओवर भी अभी काफी प्रॉब्लम से जूझ रही है। ऐसा क्यों? सारी ऑफिशियल अकाउंट उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, तो इस वक्त आपको अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए। कल मीटिंग में बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी आएंगे। अगर आप सारा टाइम यहीं खड़े रहे और वक्त पर ना पहुंचे तो कोई फायदा नहीं होगा। टीवी और मीडिया। कोई सपना तो नहीं देख रही मैं? सीसी सीसी सोया, हम न्यूज में हैं। हम इस वक्त एक पॉपुलर ओरिजिनल ब्रांड सीसी के सामने खड़े हैं। याद रहे ये ब्रांड कुछ महीनों से काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार है, जिसके जवाब में वो एवरेज को मेकओवर देके एक लॉन्च का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और वो इसमें कितने कामयाब हुए। आइए आम जनता से लोगों से क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने ओरिजिनल ब्रांड सीसी के मेकओवर वीडियोस देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा है, उनका ब्रांड भी अच्छा है। मैं तो अपने सारे दोस्तों से कहूँगी कि सीसी ब्रांड बहुत अच्छा है, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। सीसी की बनाई हुई डिजाइन बहुत ही सुंदर और अफोर्डेबल है। हमने कर दिखाया। रातों रात ये कैसे हो गया? सचिन के अलावा और कौन हो सकता है? आओ तुम्हें दिखाती हूँ। मिस्टर येन, आपका सूट बहुत यूनिक और स्टाइलिश है। सुना है कि आपकी बीबी एक फैशन डिजाइनर है, क्या ये सूट उनका बनाया हुआ तो नहीं? जी हाँ, सही समझा आपने, ये उनका ही डिजाइन है। उनके तमाम आइडियाज बहुत ही यूनिक, बहुत ही ओरिजिनल और रियल होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम में बहुत ही मेहनत की है। आप दोनों काफी स्वीट कपल है। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी जिंदगी में है। उसके अलावा आइस अमेरिकानो एक वेरीफाइड अकाउंट बन चुका है, अब सारी दुनिया जान चुकी है उन ट्रोल्स के खिलाफ फाइट करने वाला सिर्फ वही था। अब सब तुम्हें कपल ऑफ द ईयर बोलने लगे हैं और फॉलोअर्स की पेज में लाइन लगी है। मेरी बात तो सुनो, मैं समझाता हूँ। मैस्कुलेट में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो तुम हो, और ना ही मेरे वो शब्द तुम्हारे लिए थे। वो सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं कभी हमारे बीच कोई दूरी नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता था कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ ना हो। मैंने उसे अनफ्रेंड कर दिया और ना ही मैंने उसके मैसेजेस पढ़े थे। क्या उसे भी नहीं पता था कि मैं सचिन? ये शर्ट अभी तक संभाल कर रखी है? तुम्हारी हर चीज संभाल के रखी हुई है, लेकिन इस पर तो अभी भी दाग होगा ना? हाँ तो क्या हुआ, मैंने कवर कर लिया। उस दिन मैस्कुलेट में उस दिन मुझे लगा मुझे पता है, सारे मैसेजेस पढ़ लिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इतना जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। Mm.
डिनर पे चलोगी? ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, ओके? डेट पे जा रही हो? बस भी कर दे यार। माफ करना, डिनर पर साथ नहीं चल सकूंगी, एक जरूरी काम आ गया। उसने कैंसिल कर दिया? ऐसा भी कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? आ जाओ। हेलो शिचन, क्यों आई हो? सब ठीक है ना? मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। जीजी के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी गलती थी। वैसे मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे पसंद के। शुक्रिया, ठीक है, रख दो इसे। इसे टेस्ट नहीं करोगे? तुम्हारे पसंद का है। मेरी पसंद का? याद है जब हम अब्रॉड में थे तो रोजाना फाइनल एग्जाम्स की एक्सरसाइज खत्म करके एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाया करते थे, स्पेशली तुम्हारी फेवरेट डिश राइस नूडल्स विथ फ्राइड चिकन खाने के लिए। और जब तुम रेस्ट रूम जाते थे तो मैं तुम्हारा सारा चिकन खा लिया करती थी। लेकिन एक बार तुमने मुझे पकड़ लिया था। वो तो एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं था। अगर तुम याद न दिलाती तो मैं तो भूल ही चुका था। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत खुश रहती थी तब, क्योंकि उन दिनों तुम जो मेरे साथ थे। खुशबू तो बहुत अच्छी है। तुम्हें ये कहीं मिलेंगे भी नहीं, अपने हाथों से जो बनाया है मैंने। तुम्हें कब से हो गया कुकिंग का शौक? जब तुम अब्रॉड से आ गए थे तब मैंने एक शेफ से बनाना सीखा था। उस शेफ से दोस्ती कर ली थी मैंने और वहां जाती थी सीखने के लिए। सबसे पहले ये डिश क्यों सीखा? क्योंकि ये तुम्हारी फेवरेट है। और फिर मैंने ये सोचा था कि वापस घर जाके तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगी, लेकिन शायद मुझे आने में देर हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब भी मैं जब जाऊं तुम्हारे लिए ये बना सकती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। हिलना मत। जीजी की फैमिली मुश्किल में है। जानते हो मैं तुम्हारा चिकन क्यों चुराया करती थी? शिचन, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली। एक जरूरी काम है मुझे, मुझे जाना होगा। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जरूरत नहीं है, तुम खाना खाओ। तुमने जो किया वो काबिल तारीफ है, लेकिन आइंदा ये करने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस तरफ। जरा सुनिए। माफ कीजिएगा मैडम, इनको पहले मैंने कॉल किया था। क्या बदतमीजी है, क्या तुम लोग अपने VIPs को इस तरह ट्रीट करते हो? भी इज्जत के काबिल होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा पे करूंगी मैं, यानी दुगनी रकम दे सकती हूँ। ये देखो, ये कार्ड मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दुगने पैसे देंगी? मैं तो डर गई आपसे। तुम्हारी ये हैसियत है तो मैं 3 गुना दूंगी। 4 गुना? 5 गुना? 6 गुना? तो ठीक है, आप इन्हीं के साथ चली जाइए। मेरी ब्यूटीशियन चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या यहाँ पर नहीं आई हो? और तुम्हारी औकात है किसी का बाप और पति चुराने की? घटिया हो तुम। क्या कहा तुमने? हाँ, अच्छा, क्या तुम गुजिया कांग की बेटी हो? सही कहा, गुजीजी हूँ मैं। तो तुम हो गुजीजी, दिखने में तो कुछ खास नहीं हो। तो यन सचिन को तुम में क्या नजर आया? खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम्हारी उम्र ढलती जाएगी वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। माफ कीजिएगा, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। ये कैसे हो सकता है? आपका बिल 158,300 युआन है। एक बार और ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी ब्लॉक ही आएगा। ये मेरे नाम पर है और मैंने बैंक से कहा कि मुझसे खो गया है, इसलिए तुम्हें ये सब पेमेंट्स अपने पॉकेट से ही करनी होगी, समझ गए?
गुजीजी, तुमने जानबूझकर मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, वरना तुमसे बात करके अपना वक्त बर्बाद क्यों करती मैं? आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें, शादीशुदा मर्दों का पीछा छोड़ दो। मेरे बाप को अपना पति कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो खुद चलकर मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी। मानती हूँ मेरे पापा की गलती थी, लेकिन तुम क्या सही कह रही हो? तुम्हारी उम्र 50 साल की है, लेकिन तुमने इंटरनेट पर 30 साल लिखे हैं, सीधे सीधे फ्रॉड के केस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? ये हमला करने की कोशिश है, तुम्हें इसके लिए भी चार्ज किया जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? तुमने अभी इसकी असलियत देखी ही कहाँ है? इसने अपनी मासूमियत का ढोंग रचाकर तुम्हें फंसाया हुआ है। इसकी छानबीन करवानी चाहिए तुम्हें, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये। इसने शादी भी तुमसे मकसद से ही की है। हाँ सही कहा तुमने, मैं इसकी पहली नजर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, और फिर मैंने जानते हुए ये सब प्लान किया ताकि ये मेरे प्लान में फंस जाए। इसका दिल जीतने के लिए हर हद से गुजर गया, और एट लास्ट इसे मुझसे शादी करनी ही पड़ी। मेरी बात सुनो और याद रखना, आज तुमने जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा है वो उसका आधा भी नहीं है जिसका सामना मेरी माँ ने किया है। प्रियंग, इसे यहाँ से लेकर जाओ। पढ़ो, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाओ। कन्फेशन, नाम जुग्यान, जेंडर फीमेल, उम्र 49 इयर्स। मैं अपने होशो आवास में ये बयान दे रही हूँ कि मेरा 9 बार तलाक हो चुका है और मेरे 20 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मैं सिंगल होने का नाटक करके शादीशुदा मर्दों को फंसाती हूँ। मैं जानती हूँ मैं कसूरवार हूँ, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। 10,000 बार पढ़ो इसे। शुक्रिया। माँ को वापस मेशान लेके चलते हैं। तुम्हें मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। शुक्रिया बेटा। ये तो अभी भी पहले जैसा है। मॉम। हाँ। अब आप आराम कीजिए, बाकी जो भी कुछ होगा मैं खुद संभाल लूंगा, और अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। बहुत रात हो गई है, इतनी रात को ड्राइव करना सही नहीं है, तुम आज रात यही रुक जाओ। हाँ मम्मी, इंसिजन को कल बहुत से काम होंगे। मम्मी हमारा घर इतना छोटा है, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, आरामदेह लग रहा है। कहने को तो भले ही छोटा है ये, लेकिन 2 कमरे अभी भी है इसमें। आज रात मैं आपके साथ सोऊंगी। कोई नहीं, अब तुम शादीशुदा हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मम्मी। बेटा बात को समझो, मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। बेटा तुम लोग भी आराम कर लो, ठीक है? ओके, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। तो चलो अब हम भी चलते हैं। तो ये है तुम्हारा पुराना कमरा। तुम जानते थे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा है, फिर यहाँ क्यों रुक गए? क्या कर रहे हो? सोने की कोशिश। लेकिन ये मेरा बेड है। क्या चाहती हूँ, मैं नीचे सोऊं? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया, ऐसे तो नहीं सोऊंगा ना। नाइट ड्रेस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से तो बस यही 2 है, ये वाला थोड़ा छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा था, तो मैंने कभी पहना नहीं। ये लो। क्या हो रहा है, ये सब क्या तमाशा है? पहनो वरना जाना पड़ेगा। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। अरे कितने
अच्छे लग रहे हो। डिलीट हट जाओ पीछे, नहीं करूंगी डिलीट। किस कर रही हो तुम्हें?